हाँ, चैप्टर जो 3 था हमारा वो हम रीड कर चुके हैं, उसके हमने वर्ड मीनिंग कर लिए। तो आज हम क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज, ठीक है? जो हमारा चैप्टर है उसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, ठीक है? तो उसके लिए आप अपनी बुक ओपन कीजिए सभी बच्चे। प्रिंस ऐरावत कौन है? सुनाई दे रहा है सभी बच्चों को? मेरी आवाज आ रही है नहीं आपको? कौन है प्रिंस? प्रिंस कौन है? अपनी वीडियो ऑन करो। प्रिंस, मैं फिर रिमूव कर दूंगी यहां से आपको। कौन है ये प्रिंस? कौन से सेक्शन में था बेटा ये, किसी को पता है? और ये पूछने वाले कौन है, ये किसके नंबर है, ये कौन है? ये बच्चे कर दो सबको रिमूव यहां से। तुम चैटिंग कर रहे हो या पढ़ रहे हो? कौन है ये? ऋषभ? ऋषभ, ये ऋषभ त्यागी या कोई और है? ऋषभ ये मैं यहां से रिमूव कर दूंगी, अगली बार मैंने यहां पर देखा तो। अपने घर से कॉल करो और फिर बात करो उनसे, अगर आपको फोन नंबर चाहिए तो। यहां किसी बच्चे ने चैट की तो मैं यहां से रिमूव कर दूंगी और बिल्कुल क्लास में नहीं आने दूंगी, बता दिया है। जिसको पढ़ना है वो आओ इस क्लास में। समझ आ गया सभी को? हाँ चलो, तो आगे करते हैं बेटा, दूसरे बच्चों का भी टाइम वेस्ट करते हो। यस बेटा, तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है लिख धातु। आपकी कौन सी धातु है? लिख। लिख का मतलब होता है लिखना, ठीक है? तो आपका जो गै धातु है वो आपकी लिख। तो हमें लिख का कौन सा करना है? लिख धातु का हमें क्या करना है? अलिख इसमें, यानी एक वचन इसमें दिया हुआ है, हमें इसका क्या करना है? द्विवचन और बहुवचन करने हैं, यानी अलिखतम, अलिखतम और अलिखत। यस, वेरी गुड, अलिखत। ओके बेटा, तो ये दोनों आपको फिल करने हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो है खेल धातु। खेल कौन सी धातु है हमारी? खेल। तो खेल का हमें क्या करना है? हमारा इसमें द्विवचन दिया हुआ है, हमें एक वचन और बहुवचन फिल करने हैं, यानी हमें ए खेलतम हमारा दिया हुआ है, ए खेलत ये हमारा दिया हुआ, ये दोनों आपको फिल करने हैं। ये हमारा फिल है पहले से द्विवचन, ठीक है? समझ आ गया यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट जो धातु है आपकी दृश। दृश का मतलब होता है देखना, ठीक है? दृश धातु दिखाई नहीं दे रहा? आवाज तो सुनाई दे रही है मेरी आपको? तो आवाज आ रही है, तो आपकी बुक में सारे फिलअप बने हुए हैं, आप उसमें फिल करते जाओ और उसको समझते जाओ बेटा, ठीक है? फिर देखो थोड़ी देर बाद नेट इधर उधर आ जाता है, फिर आपकी दिखाई देगा ये बोर्ड आपको, ठीक है? तो ये आपका दृश धातु है। दृश का जो हमारा रूप चलता है वो हम दृश धातु का पश्य रूप चलाते हैं, यानी पश्य का मतलब देखना। जो दृश धातु है उसमें हमारा यूज होता है पश्य। जैसे हमारा गम धातु में कौन कौन सा रूप चलाते हैं हम? गच्छ का चला लिखते हैं ना, गच्छ। लेकिन धातु कौन सी होती है वो? गम।
ऐसे ही हमारा दृश्य धातु होती है लेकिन इसका रूप चलता है पश्य। तो हमें इसमें कौन सा भरना है, इसका हमारा बहुवचन दिया हुआ है तो हमें इसका एक वचन यानी अपश्य और अपश्यतम। दृश्य नहीं बेटा, पश्य चलता है, पश्य धातु आएगी, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में पश्य। पै आधा सलगम वाला स और ये पश्य रूप चलता है दृश्य धातु का, दृश्य नहीं लिखते हम, ठीक है, समझ आ गया। ये हमें क्या भरना है, अपश्य है और अपश्यतम, सॉरी अपश्यतम तो इसमें दिया हुआ है, नहीं अपश्यत दिया हुआ, अपश्यतम और ये हमारा इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अपश्य अपश्यतम अपश्यत। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी धातु है वो क्री, क्री का मतलब होता है करना, क्री धातु होती है उसका अर्थ होता है करना, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें एक वचन हमारा दिया हुआ है अकरो, हमें इसका द्विवचन अकुरुतम, अकुरुतम देखो सभी इधर, अ कै कै पे छोटे उ की मात्रा, र उ र में उ, त में, अकुरुतम और अकुरुत, अकुरुत, ओके, हो गया ये कंप्लीट। क्री धातु, क्री का एक वचन दिया हुआ है अकरो, द्विवचन होता है अकुरुतम और अकुरुत, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका बेटा, उसमें आपको क्या करना है, मंजूषायाम प्रदत्तई पदई रिक्त स्थानी पूर्य, यानी जो मंजूषा में दिए गए हैं यानी त्वम युवाम यूयम, ये तीन वर्ड दिए गए हैं उसको आपको इसमें फिल करना है सभी में, तो कौन सा किसके, जो हमारी क्रिया है उसके साथ ही हमें क्या करना है, कर्ता लिखना है उसका, ठीक है। तो जैसे हमारा फर्स्ट है कार्यम अकुरुतम, अकुरुतम हमारा कौन सा है, द्विवचन है, द्विवचन है ना, तो त्वम युवाम यूयम इसमें हमारा द्विवचन कौन सा है बताओ, त्वम युवाम यूयम इसमें हमारा द्विवचन कौन सा है बताओ बेटा, आपको इसका द्विवचन, त्वम युवाम यूयम में हमारा द्विवचन कौन सा है, युवाम, तुम दोनों, हाँ युवाम, क्योंकि हमारा तुम दोनों, त्वम का मतलब होता है तुम और युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, तो हमारा द्विवचन कौन सा हुआ, युवाम, तो हम इसमें कौन सा फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे इसमें हम, युवाम, ओके युवाम फिल करेंगे, तो वेरी गुड। लिखिए इसमें फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये तीन वर्ड फिल करने हैं, त्वम युवाम और यूयम, यही फिल करने हैं ना आपको तीनों, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा इसमें है वो है बेटा हमारा कार्यम अकुरुतम, तो अकुरुतम हमारा कौन सा है, द्विवचन, ठीक है, कौन सा वचन है हमारा, द्विवचन, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, द्विवचन हमारे पास कौन सा है, युवाम हमारा द्विवचन है, तो हम इसमें युवाम कार्यम अकुरुतम, इसमें आपको क्या फिल करना है बेटा, फर्स्ट जो सेकंड है युवाम, फर्स्ट में आपको युवाम फिल करना है, कीजिए सभी अपनी बुक में। सेकंड नंबर पे है वृक्षम अपश्य है, ठीक है, क्या है, अपश्य है, तो अपश्य हमारा कौन सा है वचन, सब सब कहीं विसर्ग इसमें आए हैं, इसमें आए ना, तो हमारा यहाँ पर ये हो गया एक वचन, तो इसमें एक वचन क्या आएगा, त्वम वयम यूयम नहीं बेटा, त्वम, तुम, तुमने वृक्ष को देखा, तो इसमें फिल करो त्वम, त्वम वृक्षम अपश्य,
ओके ये इसमें था और ये आपका इसका था, ठीक है, युवा। थर्ड जो है बेटा वो है आपका फलानी ए खादितम। ए खादितम हमारा कौन सा वर्ड है बताओ, कौन सा वचन है? नहीं, बहुवचन में तो तय है बेटा, सब में दिख नहीं रहा आपको, द्विवचन। कौन सा वचन है? द्विवचन। तो द्विवचन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? यूएम करेंगे द्विवचन के लिए, यू तो हम, युवाम, यूएम, तुम दोनों, तुम सभी, तो कौन सा करेंगे? युवाम। क्या यूज करेंगे? युवाम। हाँ, माइक ऑफ रखो बेटा अपना, जो बोल रहा है सिर्फ वही ऑन करेगा। हाँ तो लिखो इसमें थर्ड में युवाम फलानी ए खादितम, तुम दोनों ने फलों को खाया। ए खादितम, ठीक है, तुम दोनों ने फलों को खाया। थर्ड फोर्थ जो है बेटा वो है आपका प्रश्नम ए प्रच्छत। ए प्रच्छत तय किस पे आता है, किसमें आता है, कौन से वचन में? वेरी गुड, बहुवचन में। तो यहाँ हमारा बहुवचन क्या है? यूयम। वेरी गुड, बड़ी भरिए इसमें फर्स्ट यूयम, यूयम प्रश्नम ए प्रच्छत, ए प्रच्छत, ठीक है, ये आपका यूएम फिल होगा इसमें। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रयत्नम ए करो। ए करो आपका कौन सा है? एक वचन। तो एक वचन इसमें क्या होगा? तुम, हाँ तुम इसमें फिल करो, डे पार्ट में आपका तुम, तुम प्रयत्नम। ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। जो थर्ड है उसमें हमें क्या करना है? उचितम क्रियापदम मंजुषात चित्वा लिखित, यानी उचित क्रियापदों से, यानी क्रियापद मंजुषा से चुनकर लिखिए। यानी जो हमारा इसमें, उसमें हमारा था क्या दी हुई थी? क्रिया हमें दी हुई थी, हमें कर्ता फिल करने थे, ठीक है, लेकिन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कर्ता दिया हुआ है, हमें क्या फिल करनी है? क्रिया, ठीक है, धातु फिल करनी है इसमें। तो हमारा जो है वो फर्स्ट है युवाम संकल्पम, तुम दोनों का संकल्प, तुम दोनों ने क्या किया? संकल्प किया। तो क्या लिखोगे इसमें बताओ, क्या लिखोगे भाई? तुम दोनों ने संकल्प किया। क्री का मतलब मैंने आपको बताया है, क्री का मतलब करना होता है। ए करो एक वचन के लिए, ए कुरुतम द्विवचन के लिए, और ए बहुवचन के लिए ए कुरुत, ठीक है। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? ए कुरुतम, जो ऊपर दिया हुआ है, ऊपर वर्ड दिया हुआ है ना, ए कुरुतम, वो आपको इसमें फिल करना है। दिया हुआ है ए कुरुतम, हाँ, तो तुम दोनों ने संकल्प किया, तो ये आपको इसमें फिल करना है, कुरुतम, ठीक है बेटा। मैं इस लिखती हूँ अभी बोर्ड पे, पहले ये इसकी एक फोटो ले लेते हैं ताकि उन बच्चों को भेज दे जो आ नहीं रहे हैं क्लास में ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा है बेटा वो हमें उसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा एक फर्स्ट पे एकुरुतम, इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा है युवाम संकल्पम, ये हमें फिल करना है एकुरुतम, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट हमारा है कुरुतम, ये मैंने आपको समझा दिया। जो सेकंड है वो हमारा है मार्गे त्वम भिक्षुकम,
रास्ते में तुमने भिखारी को देखा, इसमें हमारा क्या आना चाहिए, देखा, तो तुम है यानी एक वचन है, तो हमें क्रिया भी किसकी भरनी है, एक वचन की भरनी है, तो एक वचन का हमारा इसमें देखो कौन सा वर्ड है, बताओ आप कौन सा आना चाहिए, अपश्य, देखा मतलब अपश्य। वेरी गुड बेटा, देखो मार्गे तुम, मार्गे तुम भिक्षुकम तुम सभी मित्रों के साथ यानी जो तुम्हारे मित्र थे उनके साथ घूमे, यही था ना हमारा लाइन, तो घूमने की मैंने बताया आपको भ्रम, तो क्या आ जाएगा इसमें भ्रमत है, यानी यूयम है बहुवचन हमारा, तो क्रिया भी किसकी भरेंगे बहुवचन की, तो क्या जाएगा बेटा इसमें, कौन बोल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, मयंक हाँ बेटा नहीं दिखाई दे रहा आपको, मयंक आपका माइक ऑन है, बोल क्यों नहीं रहे हो आप, आप ऑफ कर दिया, हाँ नुपुर बेटा दिखाई नहीं दे रहा, नुपुर माइक सभी बच्चे ऑफ रखो अपना, देखो भिक्षुकम अपश्य जो थर्ड था वो हमारा है यूयम मित्रेण सह, तुम सभी मित्रों के साथ मित्रेण सह अभ्रमत, अभ्रमत यानी घूमे, ये यूएम हमारा बहुवचन है और अभ्रमत भी हमारा क्या है बहुवचन है, ओके बेटा, तो है अगला है त्वम गृहम, त्वम हमारा एक वचन है, तो हमें क्रिया भी किसकी भरनी है एक वचन की, त्वम हाँ त्वम गृहम अगच तुम घर को गए, ठीक है बेटा एगच आएगी इसमें, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है यूयम मेलकम, तुम सभी ने मेले में क्या देखा, तुम सभी हाँ एगच तुम सभी मेले में गए या मेले को गए, यूयम मेलकम साइड में लिखा होगा वो अगच्छत, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो हमारा था थर्ड, तो इसके आंसर मैं दोबारा से किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट में हमारा आएगा युवाम संकल्पम, क्या आएगा युवाम संकल्पम ए कुरुतम, तुम दोनों ने संकल्प किया, ठीक है क्या संकल्प किया था कि हम पे जो जीव हैं, जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा के विषय में सोचा था कि हम उनकी रक्षा करेंगे, यानी उनकी रक्षा के विषय में जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, तो सेकंड था मार्गे त्वम भिक्षुकम, रास्ते में तुमने भिखारी को क्या किया अपश्य देखा, ठीक है ये था हमारा, उसके बाद है यूयम थर्ड में मित्रेण, यूयम मित्रेण सह अभ्रमत तुम सभी मित्रों के साथ घूमे, त्वम नेक्स्ट है त्वम गृहम तुम घर को अगच्छ यानी गए, यूयम मेलकम अगच्छत तुम सभी मेले में गए, ठीक है सारे क्लियर हो गए, अब किसी बताओ, ये माइक ऑफ करो बेटा अपना, बाहर की भी आवाज आ रही है तुम्हारे घर की भी, ठीक है तो ये सारे आपके फिल हो गए हैं, ये अब इस किसी को कोई डाउट हो तो पूछो इन तीनों क्वेश्चंस में, सभी ने फिल कर लिए, ओके नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको मैचअप है आपके इसके साथ मिलाना है, तो फर्स्ट है हमारा
जंतुशाला, क्या है हमारा जंतुशाला, तो जंतुशाला का मतलब क्या होता है, हाँ चिड़ियाघर। टाइम ओवर हो गया अभी, कहाँ हो गया, कितने बजे ऑफ होती है क्लास, एक दस पे होती है तो अभी तो है। हाँ हाँ तो वन टाइम पे होती है। ओके बेटा ओके, अभी तो टाइम है, तो अभी एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर हमारा अर्थ मिलाना है, यानी एक शब्द से दूसरा अर्थ को हमें मिलाना है। तो जंतुशाला का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, चिड़ियाघर। लिखो, हाँ वेरी गुड बेटा, जंतुशाला चिड़ियाघर। ओके नेक्स्ट हमारा है बेटा आपने है, हाँ आपने का कई जगह बाजार होता है, बाजार होता है अपने का मतलब, हाँ बाजार होता है, लेकिन कई जगह इसका अर्थ दुकान से भी लेते हैं, तो अर्थ तो वही हो गया बाजार या दुकान। ठीक है, ओके हमारा क्या है आपने, आपने होता है बाजार, बाजार। ठीक है, गै जो है बेटा वो है आपका प्रेंख्या, प्रेंख्या का मतलब होता है झूला, हाँ वेरी गुड झूला। प्रेंख्या मतलब झूला। नेक्स्ट है बेटा आपका मेलकम, मेला, वेरी गुड मेलकम होता है मेला। भिक्षु क्या है, भिखारी, पता है ना भिखारी। बेटा सभी अपना माइक ऑफ रखो तभी तो सुनाई देगा, आप लोग सारे माइक ऑन करोगे तो मेरी आवाज तो अपने आप ही कट जाएगी, और जिसको सुनाई नहीं दे रहा वो नाम तो बोलिए अपना, किसको सुनाई नहीं दे रहा। ऋषभ क्या सुनाई नहीं दे रहा, तो आप बस आप तो सिर्फ यही कहने पे बेटा हो रहे हो कि बस मैम दिखाई नहीं दे रहा सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ध्यान से सुनो, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखो। ठीक है, जब मैं कुछ पूछती हूँ तो बोलो, सारे नहीं एक एक बच्चे बोलो, कल से मैं जिसका नाम बोलूंगी वही बोलेगा। ठीक है, ओके बेटा अब सुनाई दे रही है ऋषभ, हाँ तो ये आपका भिक्षुक, भिक्षुक का मतलब है भिखारी। ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब आप जिसको भी सुनाई नहीं दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है बच्चा, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, कोई डाउट होगा तो आप उसमें क्लियर कर लेना। होमवर्क आपका है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी बुक में फिल करने हैं यहाँ तक, और कल मैं सभी बच्चों की बुक चेक करूंगी, सिर्फ हमारे इसके तीन क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीन क्वेश्चन बचे हैं, उनको करने के बाद हम अपनी तीनों चैप्टर की बुक चेक करेंगे कल, फर्स्ट की सेकंड थर्ड, किसने बच्चे ने फिल कर रखी है या नहीं कर रखी है मैं कल सभी की चेक करूंगी वीडियो ऑन करा के। ठीक है, ओके बेटा, हाँ तो जिसने फिल नहीं की है वो अपनी फिल कर लेना, और अब किसी का कोई भी डाउट हो तो आपको पूछ सकता है। हाँ हाँ नैतिक बोलो बेटा,